नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पर बात करेंगे राजयोग कारक राशि, राजयोग कारक लगन, कर्क लगन, कर्क राशि के जातकों के लिए ब्रह्मांड में चतुर्ग्रही योग बन रहा है या चतुर्ग्रही योग लाभ के घर में बन रहा है तो चौतरफा लाभ, एक वर्ड है ना, चौतरफा लाभ, चारों तरफ से लाभ, उत्तर से, पूरब से, पश्चिम से, दक्षिण से, हर जगह लाभ। जब चारों तरफ से लाभ हो रहा है इसका मतलब जीवन का श्रेष्ठ अवसर आ रहा है, श्रेष्ठ समय आ रहा है। यहाँ तो एक तरफ से लाभ नहीं होता, तो ये चारों तरफ से लाभ कैसे होगा, कितना होगा, क्या करने से अधिक प्रभाव मिलेगा? देखो मित्र, एक लाइन में लाभ 100% होगा, ठीक। अब आपकी अपनी क्षमता है, उसको आप कैसे उपयोग कर सकते हो, ठीक। तो वीडियो आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाभ अगर हो रहा है, लाभ कैसे होता है, सहयोग की भावना से होता है। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे देखिए, चौराहे पे कोई पौधा है, चौराहे पे कोई पेड़ है, नींबू का, बेल का, आम का, जिसके फल अधिक से अधिक लोग खाते हों, उस वृक्ष में अनायास बहुत ज़्यादा फल आएगा, इतने फल आएंगे कि उसकी डालें झुक के टूट जाएंगे। एक वही पौधा, उसी सेम दोनों का बीज है, आप अपने आंगन में लगा के देखो, जिसका फल सिर्फ आप खाते हैं, पंछियों को भी नहीं खाने देते, उसमें फल बहुत लिमिटेड आएगा। यह प्रकृति का नेचर है, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप पहले देना सीखिए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना सीखिए। राधे राधे। लाभ के घर में आपके शुक्र महाराज, शुक्र मतलब भूमि भुवन वाहन का स्वामी, तो आपको भूमि भुवन वाहन से लाभ होगा। आप जमीन लेना चाहते हैं ले लीजिए, आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं बेच दीजिए। आपके कुंडली में सूर्य नारायण धन के स्वामी हो के लाभ के घर में है, मतलब पैसा इतना कि आप बैंक में ले जा सको। अब बैंक में हम पैसा कब ले जाते हैं, जो पैसे एक्स्ट्रा बचते हैं। भाई अगर मेरा खर्चा 20,000 रुपये है, मेरे पास 40,000 रुपये है, तो मैं 15-20,000 रुपये बैंक में डाल दूंगा। इसका मतलब सीधा सा है, एक्स्ट्रा पैसा इस 2 सप्ताह में आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। साथ में आपकी कुंडली में बुध महाराज सेल्फ मेड योग में है, सीधा सा मतलब है नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अगर आप सिर्फ सोए हुए बैठे हो और लगता है कि ऐसे दरवाजा खुलेगा और कोई दे जाएगा तो भ्रम में हो। आपको पराक्रम करना पड़ेगा, पराक्रम ही वो चाबी है जो आपको सफलता प्रदान करेगी। पराक्रम भी कैसा होगा, देखो गुरु आपके खष्टे से साथ में भाग्य से हैं, तो छठवें का स्वामी अपने से छठवां, मतलब शत्रु से भी आप लाभ ले लो। परिस्थितियां कैसी बन रही हैं, शत्रु भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, जी श्रीमान जी बताइए क्या सेवा कर सकते हैं। तो गुरु गुरुता का कारक है, गुरु सामंजस्य बनाने का कारक है, गुरु धर्म का कारक है, धर्मो रक्षति रक्षिता। यहाँ पे बुध और शुक्र दो ग्रहों की युति श्रेष्ठ लाभ आपको दे के जाएगी। यद्यपि बुध व्यस है लेकिन उनकी मूल त्रिकोण राशि पराक्रम के घर में और पराक्रम का स्वामी लाभ के घर में है, तो भाई अचानक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या अचानक, तो कोई देख लीजिए अचानक क्या होता है, लॉटरी वगैरह कुछ ऐसा देख लीजिए, अचानक आपको लाभ होगा, ठीक। यह जो गोचरी स्थिति है जून माह के 2-3 सप्ताह तक श्रेष्ठ लाभ देगी, कारण मंगल महाराज भी सुख रही हैं। तो कर्म आप ऐसा कर रहे हो, कर्म का जो पहिया है ना वो भविष्य को बदल देता है, और जो पुरुषार्थ है ना वही आपका भाग्य है। बहुत लोगों को काम करने का अवसर ही नहीं मिलता, यदि आपको काम करने का अवसर मिला है दोस्त, ये आप जान लीजिए कि आपका भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, और भाग्य का कपाट धर्म से जुड़ता है, इसलिए एक धार्मिक यात्रा करिए, निश्चित रूप से लाभ आपको मिलेगा। क्या करें, शुक्र के मंत्र का जाप करते रहिए, सूर्य नारायण को अर्घ देते रहिए, पिता या पिता तुल लोगों से संबंध बेहतर रखिए, डेफिनेटली आपको लाभ होगा। तो चलिए, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, राधे राधे करते रहिएगा। घृण सूर्याय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम शाह शुक्राय नमः। जीवन साथी को एक गिफ्ट देना भी आपके लिए श्रेष्ठ लाभ देगा। तो गिफ्ट अगर आप नहीं दे सकते हैं तो वचने की दरिद्रता, वाणी से दरिद्र नहीं होना है, प्यार से बोल तो सकते हो। देखो गिफ्ट का मतलब ये नहीं होता कि बड़ा सा कोई आप 5,000-10,000 का लेके जाएं, गिफ्ट का मतलब होता है प्रेम से आप पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी प्रेम से अर्पित किया जा सकता है। अगर कोई प्रेम को नहीं समझ रहा है, वस्तु को समझ रहा है, तो फिर वो व्यक्ति
उपहार के काबिल ही नहीं है, ये भी मान लीजिएगा आप, तो बेहतर यहाँ पे लाभ होता है वो दिखाई दे रहा है। एक गोचरी स्थिति बन रही है जहाँ से आप लाभ ले सकते हैं। चलिए खुश रहिएगा है।